students and parents. मैं चिराग पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक में जिसको बोलते हैं वेटरनरी एजुकेशन. वेटरनरी एजुकेशन वो भारत और पूरे विश्व में सबसे बड़ी डॉक्टर की पदवी माना जाता है. इस BVSC जिस कोर्स को हम लोग बोलते हैं BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जो कोर्स करने के बाद डॉक्टर की पदवी मिलती है. और ये कोर्स 4.5 साल का होता है और 1 ईयर इंटर्नशिप रहती है, तो टोटल मिला के 5.5 साल का ये कोर्स रहता है. भारत में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम लोग बात करते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर की इतनी वैल्यू है कि वो लोग कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करते नहीं हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट कर लिया जाता है. मीन्स अभी तक का जितना भी हम लोग बात करें तो जितने भी नंबर्स ऑफ डॉक्टर है वेटरनरी, वो सभी लोग गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, किसी को प्राइवेट खुद का हॉस्पिटल्स या कोई करता नहीं है. इसीलिए आज हम लोग वेटरनरी में एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, वेटरनरी एडमिशन्स की फ़ीस क्या है, कहाँ पे वेटरनरी कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे. हमारे पास वेटरनरी कोर्स के लिए दो मेन बड़ी कंट्री में हम लोग एडमिशन्स करवाते हैं, एक है यूक्रेन और दूसरा है हंगेरी. हंगेरी और यूक्रेन दोनों यूरोपियन कंट्री में आते हैं, और इनका मेन फ़ायदा ये है कि यूरोपियन 28 कंट्रीज़ का रीज़न है. तो वेटरनरी और यूक्रेन और हंगेरी में करने के लिए दोनों का अलग अलग यूनिवर्सिटी है और फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहता है. वेटरनरी इन यूक्रेन एंड वेटरनरी इन हंगेरी की बात करते हैं तो मेन फ़ायदा ये है कि बच्चे को यूरोपियन वेटरनरी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मिलता है. यस दोस्तों, अगर बच्चा यूक्रेन और हंगेरी दोनों में से या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वेटरनरी कोर्स करता है तो बच्चे को यूरोपियन वेटरनरी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मिलता है. मींस यूरोप की जितनी भी, शेंगन की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सब में वो प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है. दूसरा फायदा, ये जो हंगेरी और यूक्रेन दोनों में जो वेटरनरी कोर्स है उसकी हम बात करें तो एक यूरोपियन वेटरनरी काउंसिल तो है, दूसरा वो है US मींस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड. यस दोस्तों, USDE यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उससे भी ये अप्रूव्ड है. और हाँ, यहाँ यूक्रेन और हंगेरी में वेटरनरी कोर्स करने के बाद आप भारत में भी आ सकते हो. वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ के सब्जेक्ट्स जो मैच करते हैं और उसके हिसाब से आपको क्रेडिट देके वेटरनरी काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है. यस दोस्तों, अभी आपने सही सुना, आप तीन जगहों पे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक यूरोपियन वेटरनरी काउंसिल मींस पूरे यूरोप में, दूसरा USDE मींस US यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मींस अमेरिका में, और भारत में. आप ये तीनों जगहों पे प्रैक्टिस कर सकते हो. हम सोचते हैं कि वेटरनरी क्यों करना है, वेटरनरी क्यों हम लोग करेंगे. दोस्तों, इसका मेन रीज़न यही है कि आप कोई भी कंट्री में एज अ वेटरनरी डॉक्टर वहाँ पढ़ने के बाद अगर आप इंडिया में आते हो तो आपको यहाँ वेटरनरी की कोई ऐसी एग्ज़ाम है नहीं जो आपको देनी पड़ेगी. मीन्स आपको वेटरनरी काउंसिल का कोई ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है जो आपको यहाँ क्रैक करना पड़ेगा. तो ये मेन रीज़न है. दूसरा, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है. मीन्स भारत में देखिए कितने सारे हम लोग गाय भैंस, हमारे पास पशु पक्षी है. अभी तो हम अभी नया है कि हम लोग अभी घर घर में कुत्ते भी रखते हैं, पैट डॉग जिसको बोलते हैं.
तो अभी हमारा क्रेज पशुओं के प्रति इतना हमारे प्रेम है कि अभी लोग वेटरनरी डॉक्टर का जो अपॉर्चुनिटी है भारत में जो था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स पहले भारत में डॉक्टर थे जो दूध डेयरी जिसको बोलते हैं वहीं है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होती है उसमें और गवर्नमेंट शाखाओं में भी है, पर अभी वो ही लोग जैसे अभी हमारे भारत में क्रेज़ है कि हम लोग अभी गाय भैंसों का तबेला बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि 100 से 80 से 100 गायों का तबेला होता है और बड़े बड़े तबेले भारत में अभी आ रहे हैं। तो वहीं पे भी अगर पशुओं की सारवार के लिए वेटरनरी डॉक्टर चाहिए और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो अगर आपको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता और आपको पशुओं प्रति प्रेम है तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप वेटरनरी डॉक्टर को जुड़िए, आप वेटरनरी डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस करिए और आप वेटरनरी डॉक्टर में एडमिशन लीजिए ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी है वो यूरोप है, अमेरिका है और वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जा सकते हो। तो सभी जगह लोगों का पशु प्रेम है तो वेटरनरी डॉक्टर का उसी तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस वेटरनरी डॉक्टर को प्रैक्टिस करना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है जो हम लोग बता रहे हैं और हम यूक्रेन और हंगरी के दो यूनिवर्सिटी के साथ टाइप्स है और हम लोग वहाँ पे वेटरनरी का एडमिशन्स करवाते हैं। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो हमारा ये नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो और आप हमें सीधा संपर्क भी कर सकते हो। तो हमारा मेल आईडी, हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ आपके स्क्रीन पे है, आप हमसे मिल सकते हैं। दूसरा नंबर सर, बाहर के जो जितने भी देश है जहाँ KFC है, मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनी में जो नॉनवेजिस मिलता है, जो नॉनवेज खाना हम लोग बोलते हैं, तो बाकी इंडिया को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री है लाइक जापान है, US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सभी जगह पे ये खाना जो है वो अंडर फूड प्रोसेसिंग में होता है। तब वेटरनरी डॉक्टर उसको अगर बोलता है कि हाँ ये खाना सेहत के लिए अच्छा है और उसका साइन रहता है तो ही वो जिसको हम गोश्त या मटन बोलते हैं तो ही वो मार्केट में आता है और फिर वो एज अ फूड बिकता है। तो वहाँ पे भी आपको एज अ डॉक्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मीन्स एज अ सुपरवाइजिंग आप कर सकते हो। जो हम लोग पालतू पैट्स रखते हैं, मीन्स कुत्ते रखते हैं या हमारे यहाँ गाय भैंस या कुछ भी है, तो उनकी मेडिसिन बनाने के लिए भी पूरा एक अलग से कंपनियाँ होती है। तो एज अ डॉक्टर आप वहीं पे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वेटरनरी डॉक्टर के लिए इतनी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में कि वो लोग गवर्नमेंट में ही काम करते हैं, उनको एज अ प्राइवेट डॉक्टर उनको काम नहीं करना पड़ता। तो गवर्नमेंट में ही इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि आपको प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा पर आपको डॉक्टर बनना है और अच्छा और वैल्यूएबल डॉक्टर बनना है जो पूरे विश्व में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, तो आप आज आपका जो सपना है वो हम साकार कर सकते हैं। एक यूक्रेन में है और एक हंगेरी में है। ये यूक्रेन वाली जो यूनिवर्सिटी है वो 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है और जो हंगेरी में यूनिवर्सिटी है वो 200+ पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटी में जो सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी कोर्स करवा रही है उसका Hello, my name is Caesar. I'm from Lebanon. Now I live in Ukraine. I've been studying at the Academy of Veterinary Medicine for almost 2 years. I'll soon be receiving my master's degree and I hope I'll become a successful vet. Besides medicine, our academy have biotechnology and nature management faculties. Our graduates works in more than 80 countries around the world. Many of them have succeeded greatly. Why Kharkov and Ukraine? Ukraine is a big, beautiful European country, and Kharkov is one of its most beautiful cities with kind, dynamic people.
The academy is located in a unique quiet reserved area, but it only takes 5 minutes by car to get to the noisy metropolis. Our academy has more than 200 years of history, its unique traditions, exhibits, and museum of pathologic anatomy and parasitology. Our students can practice their knowledge on exotic fish in the oceanarium. Have possibilities to work with predators, reptiles, birds, and ungulates. And when there is a will to gain experience, our students can practice with more than 1,000 animals in the academic settings. For sure, our academy keeps its own domestic animals such as cows, goats, sheep, rabbits, and even horses. Our academy provides its students with the opportunity to practice in the leading clinics of the city. This allows foreign graduates to start immediately working in their countries. Our academy also offers you the opportunity to get a European level of education at a very fair price, and the graduates can continue their studies for a PhD and become professors, scientists, and even teachers. Living in Kharkov is amazing. I live in an apartment, although many of my friends live in the dormitories. It's cheaper, however, rental accommodation are not that expensive. In the evening, I can spend some time with my girlfriend or visit the amusement centers. For me, it was comfortable living and studying in Kharkov. I love my academy, I love Kharkov, and I love Ukraine.